Hello dear students, myself Dr. D. Raj Rao, Senior Chemistry Faculty, CLC, Sikkar. I am KMDT 6, Metallurgy, Block Chemistry, D or P or P Block ka solution karwa raha hun. So, we start with the first question. Se start karte hai. Which of following is not correctly matched? So, the first question jo hai, metallurgy ke ore se correlate hai. Metallurgy ke jo isko hote hai, unse sambandhit hai. Hematite jo hota hai, usme, फेरिक ऑक्साइड का आयस्क है ये मैग्नेटाइट मिक्स ऑक्साइड है प्लस 2B और प्लस 3B है FeO भी है और Fe2O3 भी है स्फेलराइट जो है वो जिंक सल्फाइड इसका फॉर्मूला होता है स्फेलराइट का और FeCO3 सीडेराइट का है स्फेलराइट को हम जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं जिंकाइट जिंक ऑक्साइड तो इसमें हमारे पास जो है नॉट करेक्टली मैच में तो थर्ड आंसर इज करेक्ट Next, which of following oxide cannot be reduced by auto self reduction? देखिए ये भी metallurgy का well known question है NCERT का कि HGO copper के oxide है, mercury के oxide है, lead के oxide है, वो self reduce हो सकते हैं, auto reduce हो सकते हैं, self reduce हो सकते हैं। Aluminium oxide क्या होता है? ये जो है stable oxide होता है। तो इसमें हमारे पास ऑटो रिडक्शन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं होता है तो हमारे पास फोर्थ आंसर इज करेक्ट नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग नॉट यूज एज ए कलेक्टर इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये हमारे पास झाग पलवन विधि का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेटलर्जी का अच्छा क्वेश्चन है ये झाग पलवन विधि तो पाइन ऑयल फैटी एसिड जेंथेट दीज आर कलेक्टर्स बट क्रिसोल एनिलीन दीज आर फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स ये झाग को स्थायित्व देते हैं और ये जो है संग्राहक का काम करते हैं तो इसमें हमारे पास आंसर जाएगा फोर्थ नेक्स्ट आइडेंटिफाई द अलॉय कंटेनिंग ए नॉन मेटल एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन इट तो ये जो हमारे पास अलॉय है मिश्र धातु है तो मिश्र धातु का जो कंपोजिशन है वो अपने को याद होना चाहिए देखिए बैल मेटल जो होता है ना बैल मेटल जो है इसके अंदर हमारे पास कॉपर और टिन होता है और इनवार जो होता है इसमें निकल और एफी होता है और ब्रॉन्ज जो है वो भी कॉपर और टिन जो है इसमें लेकिन परसेंटेज जो है दोनों का अलग अलग होता है और एक स्टील जो होता है उसमें एफी होता है और कुछ अमाउंट में कार्बन भी रहता है कार्बन की इंप्योरिटी रहती है इसमें तो ये पूछ रहे हैं नॉन मेटल कार्बन आ गया तो आंसर हमारा फोर्थ इज करेक्ट नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल इज प्योरिफाइड बाई वॉन अर्कल मेथड वॉन अर्कल मेथड एक शुद्धिकरण की विधि है ये भी मेटलर्जी का क्वेश्चन है तो निकल जो है मोंड प्रोसेस से शुद्ध करते हैं इसको बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है जर्कोनियम टाइटेनियम जो होते हैं वॉन अर्कल मेथड से प्योरीफाई करते हैं गैलियम इंडियम जो है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस गैलियम इंडियम सिलिकन बोरोन जो है सेमीकंडक्टर जो है प्योरीफाइड बाय द जोन रिफाइनिंग मेथड और एजी एंड एयू आर प्योरीफाइड बाय मेक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस और दूसरा इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं एजी और एयू में तो इसमें हमारे पास आंसर जाएगा थर्ड इज करेक्ट नेक्स्ट CaCN2 प्लस H2 ए सॉलिड एक गैस द गैस ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम यहां पर जो एक सॉलिड बन रहा है वो तो हो गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और यहां जो गैस बन रही है वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है यहां पर जो गैस आ रही है वो अमोनिया तो आप इनमें चारों में चेक कर लो कि अमोनिया गैस किसमें आ रही है तो ये देखिए ये N2 का प्रिपरेशन मेथड NCERT का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें N2 गैस प्रिपेयर होगी और इसके अंदर NH4 NO2 है इसमें N2 गैस फॉर्म होगी और साइड प्रोडक्ट वही वाटर हम फॉर्म कर लेंगे N2 और अमोनियम सल्फेट जो है अमोनियम सल्फेट जो है इसमें हमारे पास अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग N9 के जो अमोनियम सॉल्ट होते हैं उनको हीट करते हैं तो विच प्रोड्यूस द अमोनिया गैस एंड फोर्थ इज द अमोनियम डाइक्रोमेट तो विच गिव द N2 गैस और प्लस H2O और प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Cr2O3 तो इसमें हमारे पास जो है सेकेंड आंसर इज करेक्ट नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव पी पाई बॉन्ड तो पी पाई बॉन्ड पूछा है
तो इसमें बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आता है। एसओ टू जो होता है, एसओ टू का जो स्ट्रक्चर आप जानते हो सब लोग, एक लोन पेयर आ गया इसमें, तो इसमें जो पाई बॉन्ड आ रहा है, एक पी पाई डी पाई होता है और एक पी पाई पी पाई। जिनका हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू होता है तो उनमें एक पी पाई होगा और एक पी पाई डी पाई होता है। तो ये हमारे पास है पी पाई डी पाई और ये है पी पाई बॉन्ड। इसके बाद में एनओ थ्री नेगेटिव जो नाइट्रेट आयन होता है, इसके अंदर भी हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, तो ये हमारे पास पी पाई का होगा। इसके बाद में B3N3S6, इसमें बैक बॉन्डिंग आती है, तो इसमें भी पी पाई की इसकी बोराजिन बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक बेंजिन है, इसकी स्ट्रक्चर बेंजिन की तरह है, तो इसमें भी पी पाई बॉन्डिंग आ जाएगी। और XCO3 जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल शेप होता है इसका, और इसमें हमारे पास सारे बॉन्ड जो है, ऑल जो बॉन्ड है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन SP3 होता है। जिनमें SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो SP3D हो, SP3D2 हो और SP3D3 हो, तो उनमें सारे बॉन्ड जो होते हैं ना पाई बॉन्ड, वो पी पाई डी पाई से ही बनते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट, सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस फ्रॉम, सोडियम का हम जो एक्सट्रक्शन है, सोडियम को हम जो प्राप्त करते हैं विद्युत अपघटन से, तो उसमें हम सोडियम का कौन सा कंपाउंड लेंगे? तो इसमें जैसे जब हम एक्वस कंडीशन लेंगे ना, तो वहां सोडियम कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर जो होता है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो एस ब्लॉक की मेटल से ज्यादा होता है। और यहां हमारा सेकेंड में NaCl लिक्विड लिया, यानी प्योर लिया, मोल्टन NaCl, हम प्योर NaCl लेंगे तो इसको मेल्ट करके और सोडियम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं हम। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड लिस्ट स्टेबल, कौन सा लिस्ट स्टेबल है? अब CO2 CO ये तो स्टेबल होते हैं, इनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, और यहाँ MgO और HgO जो है इनमें देख सकते हैं हम, और HgO में कोवलेंट करेक्टर मोर होते हैं, कोवलेंट वाले क्या होते हैं, लिस्ट स्टेबल होते हैं। HgO लेड के ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, NCERT में भी इसका जो है रिएक्शन दिया गया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लिस्ट स्टेबल में 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द आयरन, आयरन के फॉर्म में कार्बन का कंटेंट पूछ रहा है, तो पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है हमारे पास। अब कास्ट आयरन जो ढलवा लोहा होता है हमारे पास, ढलवा लोहा जो होता है उसमें पिग आयरन से 3% कम कार्बन होता है, और कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है, और पिटवा जो है वो हमारे पास शुद्ध रूप होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, सॉरी ये आयरन का, जिसमें क्या होता है 0.25 के आसपास इंप्योरिटी होती है कार्बन की, और इसमें अप्रोक्सीमेट 3% जाती है, और पिग आयरन में 6% जाती है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट, एलिंगम डायग्राम आर नॉट प्लॉट ऑफ द डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, तो डेल्टा जी का जो इक्वेशन हम जानते हैं, डेल्टा जी जो होता है डेल्टा एच टी डेल्टा एस, तो ये जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अब इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एलिंगम डायग्राम होता है, जिस जो ऑक्साइड सल्फाइड और हैलाइड के लिए क्या होता है सूटेबल होता है, फोस्फाइड के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो इसमें हमारे पास आंसर जाएगा 4th। नेक्स्ट, पोलिंग इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन मेटल हैविंग द इम्प्योरिटी ऑफ, पोलिंग मेथड एक जो है शुद्धिकरण की विधि है, मेटलर्जी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और ये कॉपर की मेटलर्जी में कॉपर ऑक्साइड की जब इम्प्योरिटी रह जाती है ना, तब हम इस विधि को काम में लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक कार्बन का जो लट्ठा होता है, जो बंबू होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं, विलोडित करते रहते हैं, तो जो भी ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो हमारे पास इसमें जो पूछा है कि किसके लिए अप्लाई करते हैं ये, तो मेटल ऑक्साइड, किसी भी मेटल में मेटल खुद के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी रह जाती है, तो हम इस विधि को काम में लेते हैं, तो हमारे पास आंसर जाएगा 4th। नेक्स्ट, इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन द स्लेग इज, स्लेग जो है हमारे पास धातुमल बोलते हैं इसको, धातुमल जो है इम्प्योरिटी होता है, और एक हमारे पास गालक होता है, फ्लक्स होता है और एक इम्प्योरिटी होती है, फ्लक्स और जो इम्प्योरिटी है दोनों रिएक्शन करके स्लेग फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास आयरन की मेटलर्जी में कैल्शियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है, और इसमें सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड एज ए फ्लक्स की तरह यूज करते हैं, और SiO2 की इम्प्योरिटी होती है, तो दोनों रिएक्शन करके CaO+SiO2 ये मिलके बना देंगे CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट,
ये हमारे पास क्या होता है एज ए स्लैग फॉर्मेशन, यानी जो मेल होता है, जो स्लैग होता है उसको हम क्या करते हैं हटाते रहते हैं, और इसमें ये जो हमारे पास क्या होता है एज ए फ्लक्स होता है, ये इंप्योरिटी होती है। इंप्योरिटी इसमें हमारे पास एसिडिक है तो फ्लक्स हमारे पास बेसिक है, तो दोनों की नेचर अपोजिट होती है, एक बेसिक होता है एक एसिडिक होता है, और ये सॉल्ट बन जाता है कैल्शियम सिलिकेट। तो हमारा थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग मिनरल कंटेन कैल्शियम एज वेल एज मैग्नीशियम। तो ये हमारे पास मेटलर्जी के जो है ओर्स के कॉमन नेम दिए हैं, तो इनके हमको ट्राइडेमाइट होता है ना, ये सिलिकन का जो है फॉर्म होता है, जैसे क्वार्ट्ज होता है सिलिकन का एक फॉर्म है ये, और डोलोमाइट जो होता है हमारे पास डोलोमाइट होता है MgCO3.CaCO3। अब इसको जब हम हीट करते हैं ना तो हमारे पास दो ऑक्साइड आ जाएंगे, कैल्शियम का भी आ जाएगा MgO और प्लस CaO, दोनों ऑक्साइड मिल जाएंगे आपको। और अर्गोनाइट होता है वो कार्बोनेट का ओर्स होता है, यानी कार्बोनेट का मिनरल्स है CaCO3। और कार्नेलाइट जो होता है हमारे पास KClMgCl2.6H2O, इसमें हमारे पोटेशियम और मैग्नीशियम मिल जाएंगे आपको। और ट्राइडेमाइट जो होता है वो सिलिकन मिलेगा आपको इसमें। तो हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर जो है थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड आयरन। क्रूड आयरन का मतलब कच्चा लोहा, आप कच्चा लोहा प्राप्त कर रहे हो, तो ये पूछ रहा है कि आयरन की मेटलर्जी में यहां पर आपके पास क्या बन रहा है स्लैग के फॉर्म में। तो स्लैग का जो फॉर्मेशन है वो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा CaCO3। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द कोलम क्रोमेटोग्राफी, ये भी एक एनसीईआरटी का वेल पॉपुलर क्वेश्चन है। क्रोमेटोग्राफी जो लेटेस्ट टेक्निक है प्योरिफिकेशन की, और जिस भी कोई माइनर इम्प्योरिटी यदि किसी मेटल में रहती है तो हम उसको सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड से, और एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर होती है ये, और सॉल्युबिलिटी के बेस पर होती है। तो इसमें हमारे पास क्या दो फेज होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है और एक मोबाइल फेज होती है। तो स्टेशनरी फेज में जो भी कंपोनेंट डिजोल्व होगा तो वो क्या लेगा, ज्यादा टाइम लेगा ट्रेवल करने में, लेकिन यदि कोई मोबाइल फेज में डिजोल्व होता है तो वो कम टाइम लेता है। तो ये पूछ रहा है कंपोनेंट मोर सोल्यूबल स्टेशनरी फेज टेक लॉन्गर द टाइम ट्रेवल टू थ्रू इट, ये पहला सही है। अब लेस सोल्यूबल ये गलत बोल रहा है, और दोनों में स्पीड इक्वल नहीं होती, कभी भी अलग अलग रहेगी तभी इसको अलग करते हैं, और सोल्यूबिलिटी का इफेक्ट आता ही आता है इसमें। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, सिलिका इज रिफाइंड बाई वेफर फेज रिफाइनिंग, लिक्विशन जोन रिफाइनिंग और वोनरकल। तो सिलिका जो है नो सेमी कंडक्टर्स आर प्योरिफाइड बाई जोन रिफाइनिंग मेथड, बोरोन सिलिकन गैलियम इंडियम, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो हम इसमें सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेटलर्जी ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। अब मैं जब मेटलर्जी आयरन की हम देखते हैं, जब हम आयरन जो है जो लोहा है इसकी धातु कर्म में देखें तो कौन सी रिएक्शन होती है। देखिए पहला रिएक्शन जोन कम्बशन दहन का है, सही है, और स्लैग फॉर्मेशन हो ही रहा है यहाँ, ये भी सही है, और रिडक्शन यहाँ फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन होकर के हमारे पास Fe मिल रहा है, तो ये भी करेक्ट है। और जोन ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोल रहा है CO2C+O2, ये गलत है हमारे पास। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत पूछ रहा है कौन सा है। तो जर्मन सिल्वर जो है ना, वो जर्मन सिल्वर जो है जिसमें सिल्वर नहीं होती कभी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें कभी सिल्वर नहीं होती है, इसका मतलब ये करेक्ट है। कॉपर जिंक और निकल का अलॉय होता है, बेल मेटल में कॉपर और टिन होता है, ये भी ठीक है। और Cr4 2- एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड टंगस्टन ऑक्साइड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ये गलत है। तो इसमें देखिए डी ब्लॉक में हम जब रिलेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना एक ही ग्रुप में, तो जो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है और ये टंगस्टन है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है +6, ये जो हमारे पास क्या होता है इसमें लेस स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल है, और ये दोनों क्या होते हैं मोर स्टेबल होते हैं हमारे पास, यानी टॉप टू बॉटम जाते हैं ना तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जस्ट पी ब्लॉक का उल्टा कॉन्सेप्ट है, इनर्ट पेरिफेक्ट में अपन क्या देखते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन डी ब्लॉक में ये अपोजिट कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है हमारे पास। तो यहां पर ये जो CrO4 2- है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा,
लेकिन ये जो दोनों है हमारे पास, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो पाएंगे हमारे पास। तो थर्ड आंसर हमारा जो है करेक्ट होगा, ब्रास कंटेन कॉपर और जिंक, ये हमारे पास ठीक है, ब्रास पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का ही होता है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग, H3BO3 पॉलीमराइड ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ये सही है क्योंकि H3BO3 में हमारे पास एच बॉन्डिंग होती है, इसमें देखिए OH ग्रुप होते हैं हमारे पास। अब जैसे दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास आता है उसमें ऐसे एच बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, और H3O4 वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, ये भी सही है क्योंकि इसके पास जो ये जो होता है इसके पास बोरोन का जो ऑर्थोबोरिक एसिड है इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये क्या करता है एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, किसी भी से भी एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ऐसे भी एक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड विद ट्रांस 1,2-diol, ये गलत हो गया मेरे पास, क्योंकि इसके जैसे मान लो ये वीक एसिड होता है लेकिन हम इसको यदि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करा रहे टाइटेशन में तो हमको इसमें cis-1,2-diol यूज करते हैं, कैटेकोल सैलिसिलिक एसिड जो है वो हम यूज करते हैं, तो ये हमारे पास गलत हो गया। और डाइबोरिन एक कलरलेस और हाईली टॉक्सिक गैस है, ये NCERT में जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, एकदम से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, FeSO4 ने हीटिंग यूज, ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो फेरस सल्फेट होता है ना उसको जब हम हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 SO3 का मिक्सचर देता है, क्योंकि इसमें पहले फेरस होता है, फेरस फेरिक में चेंज होता है क्योंकि SO3 जो होता है उसको कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हमारे पास यहाँ FeSO4 जो है कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 और प्लस SO2 और SO3, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट, ग्रीन विट्रोल एंड ब्लू विट्रोल इज आइसोमोर्फस, तो ये हमारे पास गलत हो गया, क्योंकि ग्रीन विट्रोल जो होता है, ग्रीन विट्रोल होता है FeSO4.6H2, विट्रोल जो होता है कॉपर CuSO4.5H2 होता है, तो दोनों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। कैमरा फॉर कैटायन कलर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ये गलत है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण ये कलर्ड होते हैं, और Cu2 Cl2 Rg2 आज कलर्ड, ये गलत हो गया क्योंकि Cu कॉपर जो होता है ना +1 में है इसमें, और +1 में ये D10 कॉन्फिगरेशन है, तो D10 वाला कलरलेस होगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग हीटिंग पैरामैग्नेटिक गैसेस आर इवॉल्व्ड NaNO3, तो ये देखिए आप NaNO3 को जब हीट करते हो, स्ट्रॉन्गली हीट करते हो, वैसे तो ये जो है NaNO2 प्लस O2 देते हैं लेकिन स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हो आप, तो स्ट्रॉन्गली हीट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा Na2O प्लस N2 प्लस O2, और हमारे पास AgNO3 कोवेलेंट नाइट्रेट जो होते हैं ना, ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है, और कोवेलेंट जो है हमारे पास क्या देगा Ag2O सिल्वर का ऑक्साइड दे देगा, और प्लस यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा ब्राउन गैस NO2 गैस, तो NO2 गैस और O2 दोनों क्या है पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो दोनों पैरामैग्नेटिक गैस इवोल्ड करेंगे, तो ये हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पहला स्टेटमेंट बोला है ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम एमोक्साइट, तो ये पहला स्टेटमेंट है जो हमारे पास गलत हो गया, क्योंकि स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना रिलेटिवली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मोर स्टेबल होती है देन +2, और NCERT में तो +3 ही बताया गया, +2 बताया नहीं गया, क्योंकि इसमें IP का डिफरेंस हम देखते हैं, थर्ड और सेकेंड IP का जो डिफरेंस होता है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आता है इसका, तो इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है इसकी, तो पहला जो है वो MO टाइप के ऑक्साइड नहीं बनाएंगे क्योंकि इसे MO में +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, फिर ऑल मेटल द एक्सेप्ट जिंक फॉर्म MO ऑक्साइड, ये ठीक है, और ऑल द मेटल एक्सेप्ट जिंक और स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड, ये भी ठीक है, ऑल द मेटल एक्सेप्ट MN फॉर्म MO ऑक्साइड, तो हमारे पास जो फर्स्ट आंसर है वो इनकरेक्ट है, मतलब जैसे करेक्ट आंसर क्या फॉर्म में लेकिन MO जो है इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन,
डी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, तो क्रोमियम में आप देख सकते हो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है 4s1 3d5 होता है, अब नॉर्मल होता है पी डी में, एस में 0 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अब नॉर्मल हो गया, और पी टी में भी हमारे पास एब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमारे पास एस में 1 इलेक्ट्रॉन डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि निकल फैमिली में एस में 2 और डी में 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा पी टी में एस में 1 और डी में 9 और एच जी में डी में 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो हमारे पास जो है एब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है फोर्थ का नहीं होगा, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट, सॉरी। द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट मिस मेटल, मिस मेटल जो है कि अलॉय है, मिस मेटल जो है एक अलॉय है और इसमें 95% हमारे पास होते हैं लेंथेनोइड और 5% जो है हमारे पास होता है Fe, 5% इसमें Fe होता है और ट्रेसेस अमाउंट में कार्बन होता है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं इसमें, मतलब कार्बन कैल्शियम और एल्यूमिनियम ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम जो है वो नहीं होता, लेंथेनम आयरन और जो सीरियम है वो तो लेंथेनोइड हो गया, तो हमारे पास थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एंथैल्पी मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, देखिए कोई भी मेटल है जैसे कोई सॉलिड में है तो सॉलिड को आप पहले गैस में कन्वर्ट करो क्योंकि गैस से ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे रिमूव होंगे, फिर गैस को हम आयन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आयन के साथ में वाटर रिएक्शन करेगा, तो पहले हमारे पास यहाँ पर हीट ऑफ एटोमाइजेशन हो जाएगा यानी सब्लिमेशन एनर्जी बोल दो या हीट ऑफ एटोमाइजेशन, और यहाँ हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी और इधर हाइड्रेशन एनर्जी आएगी, तो तीनों का ही रोल होता है एक्वस में रिड्यूसिंग नेचर ऑफ, और यहां पर ओवरऑल मिलकर तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल डिसाइड होगा, तो इसमें ए बी और सी फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक, देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बेसिक नेचर का होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक होता है, इंटरमीडिएट बीच के जो भी कोई अवस्था होती है ना उसमें ये जो होता है हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो फर्स्ट आंसर जो है उसमें देखिए क्रोमियम +2 में है और इसमें हमारे पास +3 में है और इसमें 6 में है और ये Cr2O4 आ रहा है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास +4 में आ रहा है, तो मिनिमम या लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो +2 आ रही है, प्लस में बेसिक होगा हमारे पास, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+2M4 निकल इज एबनॉर्मली बिकॉज, देखिए निकल जो होता है 3D सीरीज में यहाँ पर निकल का साइज क्या होता है ट्रेंड अकॉर्डिंग फॉलो करें अपन तो यहाँ साइज स्मॉल होता है इसका, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है हाई होती है और हाइड्रेशन एनर्जी हाई होने के कारण इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसमें हमारे पास हाई हाइड्रेशन एनर्जी इसका रीजन होगा, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, गोल्ड डिजोल इन एक्वारेजिया, एक्वारेजिया देखिए एक्वारेजिया क्या होता है हमारे पास, एक्वारेजिया जो है 3 parts HCl और 1 part HNO3 ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो यहां पर जो भी गोल्ड है गोल्ड एजी जो होते हैं वो डिजोल्व होते हैं इसी में एक्वारेजिया में, नोबल मेटल जो होते हैं ना प्लेटिनियम है वो भी डिजोल्व होता है, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बनाता है और इसमें ओरिक एसिड बनता है, AU पहले क्या करेगा Cl-3 से अटैक रिएक्शन करके AuCl3 बना लेता है पहले और उसके बाद में HCl से ये रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स एसिड फॉर्म करता है HAuCl4 और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 यहाँ पर वो की वो रहती है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारे पास, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टूगेदर इज, तो देखिए Fe जो है ना Fe +2 में है वो Fe +3 में कन्वर्ट होगा हमारे पास और SN जो होता है ना SN टिन वो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी SN +4 में कन्वर्ट होता है, तो ये दोनों जैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें देखो थर्ड में
और इसमें ये हायर में है, ये लोअर में है, और ये जो है लोअर में है, ये हायर में है, एफ ई प्लस ये हायर में है, और यहाँ आई नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये दोनों साथ कौन से जो है रह सकते हैं, कैन एग्जिस्ट बोल रहे हैं, तो यानी दोनों जो रिएक्शन नहीं करेंगे साथ में, तो इन थर्ड आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की कौन सा गुण है वो जो नहीं है, दे आर थर्मली स्टेबल, सही है, थर्मली स्टेबल होते हैं ये, दे हैव द हाई वोलेटिलिटी, ये गलत है, क्योंकि सिलिकॉन तो पॉलीमर होते हैं, ठीक है, तो इनकी वोलेटाइल नेचर कम होती है, और दे हैव द हैविंग वाटर रेपलेंट प्रॉपर्टी, ये सही है, क्योंकि अपन घरों में इसको काम में लेते हैं एज ए वाटर रेपलेंट प्रॉपर्टी के बेस पर, जैसे कोई भी चीज़ को अपने स्टिक करना है, चिपकाना हो, तो ये काम में ले सकते अपन, और दे हैव द इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ये भी ठीक है हमारे पास, तो हमारे पास जो है जो प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही, सही नहीं है, वो हमारे पास सेकेंड आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द SiO2. SiO2 के बारे में क्या इनकरेक्ट है, तो SiO2 जो होता है ना वो HF से रिएक्शन करता है, जैसे जो कांच होता है, ग्लास होता है, तो ग्लास में क्या होता है SiO2 होता है, SiO2 है ना वो हमारे पास HF से रिएक्शन करता है, तो इसके अंदर हमारे पास इचिंग ऑफ द ग्लास है, उसमें रिएक्शन में काम में लेते हैं इसको, और NaOH जो होता है वो भी इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, सोडियम सिलिकेट बन सकता है Na2SiO3, जैसे हमारे पास SiO2 जो है ना वो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकता है, Na2SiO3 बना सकता है, सोडियम सिलिकेट बना सकता है, इसके 2 मोल हम लेते हैं इसमें, और HF के साथ ये रिएक्शन कर ही सकता है. यहाँ पर सिलिकन मैक 4 सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पर ये सिलिकन 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, सिलिकन में जो होता है 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, और कैन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3D नहीं होता इसका, तो ये इनकरेक्ट हमारे पास 4th हो गया. तो नेक्स्ट, सी इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल में हमारे पास IUPC के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना स्टैंडर्ड E0, ये जैसे हमारे पास मान लो किसी का पॉजिटिव आ रहा है मेटल का और किसी का आ रहा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नेगेटिव वाला बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. जो सीरियम होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसको बहुत यूज करते हैं, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है E0 जो है वो 1.74 वोल्ट होता है, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव आ रहा है इसका, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच इज करेक्ट, सीरियम हाइड्रोक्साइड इज वीकर बेस देन LuOH, ये गलत हो गया, क्योंकि जैसे हमारे पास 4F सीरीज है, तो 4F सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज होती जाती है, तो COOH जो होता है ना ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, ये वीक बेस होगा, तो पहला गलत हो गया. फिर हमारे पास आता है Mn+3 Mn+2, यानी थर्ड जो ट्राइवेलेंट होते हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है कोबाल्ट फेरस, कोबाल्ट और फेरिक और हमारे पास आता है मैंगनीज, इन तीनों का पॉजिटिव होता है, और तीनों में हमें सीक्वेंस देखेंगे कोबाल्ट का सबसे ज्यादा होता है, और कोबाल्ट के बाद में हमारे पास आता है मैंगनीज, फिर आता है Fe, यानी ये हमारे पास E0 रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर होता है, तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी में वैल्यू भी दी गई इनकी, पॉजिटिव होता है इन तीनों का, इनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और इसमें हमारा आंसर जो जाएगा जो है वो तो सेकेंड तो सही हो गया हमारे पास, ये बोला Mn+3 का पॉजिटिव होता है, तो ये सही है, पॉजिटिव होता है. टाइटेनियम जर्कोनियम हैफनियम ग्रुप 4 एटॉमिक रेडियाई जो है ये हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया, ये हमारे पास गलत है. और लेंथेनॉइड आर नॉट सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज मेथड, तो ये भी हमारे पास सही हो गया, तो यहां पर पूछ रहा है करेक्ट, तो ये गलत हो गया. और Mn+3 Mn+2 मोर पॉजिटिव देन Fe+2, तो ये सही है हमारे पास, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट तो इनकरेक्ट था हमारे पास. नेक्स्ट, विद एफ हाइएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnH, तो यहां पर आप देख सकते हो मैंगनीज होता है ना,
MnF4 के फॉर्म में कंपाउंड बनाता है। अब इसमें आप बोलोगे भी प्लस सिक्स में प्लस सेवन में क्यों नहीं बनाते हैं? जैसे हम हमारे पास MnF6 होता है, एक MnF जो है सेवन, दोनों जो है प्लस सिक्स और प्लस सेवन के अंदर जो है अनस्टेबल होते हैं। इसमें ये अनस्टेबल बनाएगा क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस और ओवरक्राउडिंग ज़्यादा होती है। तो मैंगनीज का जो स्टेबल ऑक्साइड बनेगा वो प्लस फोर में बनेगा। सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, Cr2O7 नेगेटिव एक्स एच प्लस सी आर प्लस थ्री एच टू ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ एक्स, एक्स का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट पूछ रहा है। द अबो रिएक्शन एक्स कैन नॉट बी, मतलब एक्स कौन सा नहीं हो सकता है। देखो ये जो है Cr2O7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो दूसरा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, कभी ऑक्सीडाइजिंग तो होगा ही नहीं। तो यहां देख लिया ऑक्सीलेट जो है CO2 में कन्वर्ट होता है, और यहाँ Fe जो प्लस टू है ये हमारे पास, देखो ये C2O4 जो होता है ना ये CO2 में कन्वर्ट होता है, और Fe+2 जो होता है Fe+3 में कन्वर्ट होता है, और S-2 जो होता है वो S में कन्वर्ट होता है, जीरो में चला जाता है। और यहाँ पर जो सल्फेट जो होता है सल्फेट वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से +6 में है, तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो ये कभी भी नहीं हो सकता यहाँ पर। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, ये पूछ रहा है। जैसे लेंथेनॉइड संकुचन होता है, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन भी आप जानते हैं, जैसे 4F है 5F है, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाता है, और F का शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, वेरी पुअर होता है, जिसके कारण साइज लगातार लेफ्ट टू राइट जाते घटता जाता है, उसी को हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन। तो ये बोला कॉन्ट्रेक्शन जो प्रॉपर्टी आ रही है उसका क्या हमारे पास यहाँ कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लेंथेनॉइड डिफिकल्ट, और बेसिक नेचर ऑफ द हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट मेंबर टू लास्ट मेंबर्स, और साइज ऑफ द HF जर्कोनियम इज डिफरेंट, ये तो उन दोनों का सेम होता है। तो ये जो पहली दो प्रॉपर्टी है हमारे पास है, इनका बेसिक नेचर लेफ्ट टू राइट घटता है, इसका मतलब यहां पर जो है साइज होता है लगातार कम होता है कॉन्ट्रेक्शन से, इस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। और यहां पर भी कॉन्ट्रेक्शन के कारण हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो हमारे पास फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द स्ट्रोंगेस्ट बेस इच, तो अभी जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था, पहले भी एक क्वेश्चन आया था, सीरियम जो होता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इन 4F सीरीज। तो आप ये देखोगे कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना वो डिक्रीज होती जाती है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया सीरियम का। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड, मोस्ट स्टेबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेल पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, और सेकेंड आंसर इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयंस हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इसमें कॉन्फिगरेशन चेक कर लीजिए हमारे पास। तो देखिए मैंगनीज है, मैंगनीज का कॉन्फिगरेशन Mn+2 में क्या होगा, Mn+2 के अंदर आप चेक करोगे तो आर्गन 18 हो गया, और 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d5 हो गया। इसके बाद में Fe+3 देखिए, इसमें भी आर्गन हो गया हमारे पास, 4s वाले दो निकले, d में 6 होते हैं, d में 1 निकल गया, तो इसमें भी 3d5 आ जाएगा हमारे पास। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द कलर ऑफ K2Cr2 एंड Fe+2 आयन रेस्पेक्टिवली, K2Cr2 जो होता है ना इसमें कलर आता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का मतलब है कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लिगेंड से मेटल की ओर ट्रांसफर होते हैं। और Fe+ इसी को बोला चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लिगेंड टू मेटल। और Fe+2 के अंदर हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ना ये हमारे पास कलर्ड कंपाउंड होता है, और Fe+2 जो होता है इसमें हमारे पास डी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे फेरिक में आ रहे पे तो D5, इसमें जो है एस के दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 अनपेड बच रहे हैं इसमें, तो इसमें डी ट्रांजिशन हो जाएगा मतलब। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, टू टाइप ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट इन, दो टाइप की कार्बन कार्बन बंध लंबाई किसमें है, तो डायमंड जो है इसमें एक ही टाइप की होगी, सिंगल बॉन्ड ही होते सारे। ग्रेफाइट में हमारे पास
डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, और ये C60 जो है फुल रिन है, फुल रिन में डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी होती है और सिंगल बॉन्ड की भी होती है, और बेंजिन जो होती है उसमें एक ही टाइप की होती है, सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो थर्ड आंसर जो है हमारे पास है, ये दो टाइप की पूछा है, दो टाइप की केवल फुल रिन में होती है C60। तो नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथ नर्ड इज इनकरेक्ट। तो लेंथ नर्ड के बारे में बोला इनकरेक्ट कौन सा है, मेनी ट्राइवेलेंट लेंथ नर्ड आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एक्वा सोल्यूशन, ये एकदम वेल नोन स्टेटमेंट एनसीईआरटी का, सही है। और पी आर पी एन डी टी बी डी वाई एग्जिट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड MO2, ये भी ठीक है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर आप पी आर में और इनमें एफ में इलेक्ट्रॉन निकालो प्लस फोर में, तो इसमें आएगा एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो आएंगे, टी बी में हमारे पास सात आ जाएंगे, डी वाई में एट इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एफ के अंदर, मतलब जो हमारा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो। और सी प्लस टू सोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको देखा था। और ऑल द लेंथ नर्ड आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये गलत हो गया, एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, एफ ब्लॉक वाले कम रिएक्टिव होते हैं। तो फोर्थ इज जो है इनकरेक्ट। नेक्स्ट 44, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, Mn plus 3 Cu are in the strongest oxidizing agent in the aqueous solution, सही है, क्योंकि Mn और CO जो होते हैं ये दोनों प्लस थ्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इनका ई नोट रिडक्शन जो होता है वो होता है पॉजिटिव में। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंगनीज कोबाल्ट और Fe तीन मेटल का जो है ट्राइवेलेंट का पॉजिटिव होता है। Ti plus 2 V plus 2 Cr plus 2 are strong reducing agent will not liberate the hydrogen, ये गलत हो गया, जो reducing agent होते हैं वो hydrogen release करते हैं dilute acids के साथ reaction करके, तो ये हमारे पास incorrect हो गया। Oxidizing power in the VO2 Cr2 MnO4 ये सही है, क्योंकि VO2 के अंदर oxidation state आएगा हमारे पास 5, Cr2O7 में आएगा plus 6, MnO4 minus में आएगा plus 7, तो ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ये सही है। और स्टेबिलिटी कॉपर प्लस टू की ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है इसकी 80 से ज्यादा होती है, मच मोर नेगेटिव होती है, और तो हमारे पास ये तो सही है, तो सेकेंड आंसर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द ब्लू कलर प्रोड्यूस ऑन एडिंग H2O टू द एसिडिफाइड K2 ड्यू टू द फॉर्मेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक, इसमें हम क्या करते हैं K2Cr2O7 लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड से, तो इसमें हमारे पास CrO5 कंपाउंड बनता है, ये जो है बटरफ्लाई शेप में होता है, ये बटरफ्लाई शेप में होता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 6, और इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर का ये सॉलिड मिलता है अपने को, तो ये हमारे पास जो है CrO5 इज फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच एलिमेंट शो द हाइएस्ट ऑक्सीजन इन द एक्टिनोइड, एक्टिनोइड में कौन कौन से हाइएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं ये पूछ रहा है, तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो है इनकी प्लस 7 दोनों के हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, CF और ES की प्लस 3 होती है, इसकी TS की प्लस 4, PA की प्लस 5 होती है, AM की प्लस 3 होती है, BK की भी ऐसे प्लस 3 भी तो होती है, प्लस 4 होती है, प्लस 5 होती है, ऐसे हम यहाँ देख सकते प्लस 3 से स्टार्ट होकर प्लस 5 तक जाती है इसकी, लेकिन हाइएस्ट पूछ रहा है अपना, हाइएस्ट तो नेपच्यूनियम प्लूटोनियम प्लस 7 ही होती है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर सिमिलर इन, दोनों में सिमिलरिटी किसमें है, ऑक्सो आयन फॉर्मेशन में, रेडियोएक्टिव नेचर में, टेंडेंसी टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और या जनरल कॉन्फिगरेशन, जनरल कॉन्फिगरेशन सेम हो सकता है, क्योंकि ऑक्सो आयन फॉर्मेशन जो है डिफरेंट होता है, रेडियोएक्टिव नेचर जो है 4F 5F में ज्यादा होती है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो होती है वो भी दोनों में अलग अलग होती है, क्योंकि सेम नहीं होता, क्योंकि साइज भी दोनों का अलग अलग होता है, लेंथेनोड एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन भी लग रहा है, तो यहाँ पर जनरल कॉन्फिगरेशन सेम हो सकता है, जनरल कॉन्फिगरेशन जो होता है ये हम जानते ही हैं कि N-2 F1 से 14, N-1 D0 से 1, और ये होता है NS2, ये जनरल कॉन्फिगरेशन होता है, ये सेम होता है, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग हैव हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, म्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं वो एन एन प्लस
टू का अंडर रूट लेते हैं, बोर मैग्नेटोन में आता है हमारे पास, और यहां एन हमारे पास क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम देख लो किसमें, एम एन प्लस वन में है, क्योंकि मैंगनीज के अंदर हमारे पास प्लस वन में पूछ रहा है ये, तो 4s 2 3d 5 होता है, तो हमारे पास s में 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने हो गए 5, तो d में हमारे पास ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेड, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, केवल प्लस 3 ऑक्सीडेशन किसकी होती है ये पूछ रहा है, तो एक्टिनियम जो होता है उसकी प्लस 3 होती है केवल, यूरेनियम की तो प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 तक, और थोरियम की भी अलग अलग ऑक्सीडेशन से प्लस 3 नहीं होती, इसकी प्लस 4 होती है, पीए की प्लस 4 भी होती है प्लस 5 भी होती है, तो एक्टिनियम जो होता है केवल प्लस 3 दिखाता है, तो थर्ड आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, परमैग्नेट टाइटेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी, बहुत ही एनसीईआरटी का वेल पॉपुलर क्वेश्चन है कि जब भी हम परमैग्नेट टाइटेशन करते हैं तो परमैग्नेट टाइटेशन के ड्यूरिंग हम यहां पर HCl कभी भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि HCl जो होता है ना वो Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये पोटेंशियल के बेस पर होता है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको टाइटेशन में कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी टाइटेशन जो है अनसेटिस्फैक्टरी आएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग एग्जिस्ट, कौन सा अस्तित्व में हो सकता है, कौन सा पाया जाता है, तो देखो PH5 कभी भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं पाएगा, दोनों की EN जो होती है यहाँ पर पेरिफिल की EN जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत हाई डिफरेंस होता है, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, और NCl5 जो है पर नाइट्रोजन की मैक्सिमम कॉलोनी 4 होती है, ये होता ही नहीं है, बोरोन की भी ऐसी 6 नहीं हो सकती, मैक्सिमम जो है हमारे पास 4 से ज़्यादा नहीं होगी, और ClF5 जो है वो करेक्ट है, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इनकरेक्ट, तो पहले बोला ONF इज आइसोलेक्टेड विद NO2, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे तो कितना है 24 इलेक्ट्रॉन, तो पहला ठीक है, OFT इज एन ऑक्साइड ऑफ द फ्लोरिन, ये गलत है, ऑक्साइड नहीं होता ये क्या होता है, फ्लोराइड होता है, Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, ये ठीक है, HClO4 जो होता है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और Cl2O7 जो है इसमें भी +7 होती है, तो ये इसका एनहाइड्राइड होता है, O3 मॉलिक्यूल इज बेंट, O3 मॉलिक्यूल बेंट शेप में होता है, ये सही है, देखिए ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ये बॉन्ड एंगल जो होता है 117 डिग्री होता है, और यहाँ पर एक लोन पेयर भी होता है, तो बेंट शेप भी है ये, तो हमारे पास जो है इनकरेक्ट जो है सेकंड हो गया। नेक्स्ट, व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, यानी क्लोरीन की रिएक्शन आप एक तो कराते हो ठंडे और सांद्र के साथ और एक गर्म और सांद्र के साथ कराते हो, Cl2 की रिएक्शन करा रहे हो NaOH के साथ, तो यहां पर ये हमारे पास है हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो इसमें देखिए हमारे पास NaCl और प्लस NaClO3 बनता है, तो ये +5 आ गया और ये -1, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 0 से -1 जा रहा है और 0 से +5 जा रहा है हमारे पास, तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो 0 to +1 और 0 to -5 -1 और +5, तो यानी आंसर हमारा गया फोर्थ। नेक्स्ट, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड ऑन हीटिंग गिव्स, ऑर्थोफॉस्फोरस पूछ रहा है, एक होता है फॉस्फोरस एक होता है ऑर्थोफॉस्फोरस, तो ये हो गया हमारे पास H3PO3, एक होता है हाइपो, तो उसमें H3PO2, तो ये H3PO3 हो गया, इसको जब हम हीट करते हैं तो विच गिव H3PO4 और +PH3 फॉस्फिन गैस, तो इसमें हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा और फॉस्फिन गैस, डिसप्रोपोर्शन का एग्जांपल है ये, तो इसमें सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट, H3PO3 डाई बेसिक एंड रिड्यूसिंग, देखिए अब इसमें अपन जो स्ट्रक्चर देखते हैं, ये डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास,
अब ये आ गया OH, और इसमें हमारे पास है जैसे H3PO4 होता है ना, जैसे ये H3PO4 होता है हमारे पास। अब जब आपने को पूछ रहा है H3PO3 की बात कर रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वही कम कर देते हैं, जैसे H3PO4 है, ऑक्सीजन कम करेंगे तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं इसको। जैसे हमारे पास ये H आ गया, तो इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। H3PO4 डाई बेसिक हो गया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है। अभी ये बोला डाई बेसिक है नॉन रिड्यूसिंग, ये गलत हो गया। ट्राई बेसिक है रिड्यूसिंग है, ये गलत है। क्यों? रिड्यूसिंग इसमें पीएच बॉन्ड नहीं होते कोई, पीएच बॉन्ड जब जैसे इंक्रीज होते हैं ना तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। और H3PO4 ट्राई बेसिक एंड नॉन रिड्यूसिंग, तो ये भी गलत हो गया मेरे पास। तो H3PO4 इज ए डाई बेसिक एंड रिड्यूसिंग, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। आज 56 साइक्लोट्राइमेटाफोस्फोरिक एसिड द टोटल नंबर ऑफ पीओ एंड पीओ बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली। तो साइक्लोट्राइमेटाफोस्फोरिक एसिड होता है ना, ये एक साइक्लिक ट्राइमर होता है। भी जैसे HPO3 इसका होल थ्राइस कर देते हैं, ये है साइक्लिक मेटा ट्राई फॉस्फोरिक एसिड है। तो इसके अंदर जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं इस तरह से देख लेंगे। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास ऐसी होती है, तो अब इसमें बॉन्ड काउंट कर लो। देखो तीन तो आ गए हमारे पास, पीओ डबल बॉन्ड हो गए, और बाकी जो है हमारे पास नाइन हो गए ये बॉन्ड। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पर क्लोरिक स्ट्रॉन्ग होता है, ये सही ऑर्डर है। HClO3 HClBr ये भी सही ऑर्डर है। H3PO2 H3PO3 ये भी हमारा एसिडिक ऑर्डर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस होता है जिसमें अपन बात कर दी, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कम वाला ज्यादा एसिडिक होता है, और ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HF और इसमें HI स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि HF का बॉन्ड तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, HI का वीक बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास हो गया इनकरेक्ट फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट, O2I5 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सही है, एनशियाटिक स्टेटमेंट आई। SnCl4 PbCl4 आर मोर कोवेलेंट देन SnCl2 एंड PbCl4। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट करेक्ट ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। Cl2 से हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी करेक्ट है। Br2 BrO आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं आयोडीन के, फिर आते हैं क्लोरिन, और फिर आते हैं ब्रोमिन के ऑक्साइड। तो ये सबसे लिस्ट स्टेबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो कम स्टेबल होते हैं। तो फोर्थ आंसर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, 59 विच हैज अ मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे वैल्यू होती है इनकी प्रैक्टिकली। वैसे NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसमें NH3 जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, SnF4 है PbI4 आयनिक नेचर, ये ठीक है। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, PbI4 जो है डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहे हैं, ये एग्जिस्ट होता है क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन जो होता है ना वो इसके साथ कंबाइन हो सकता है। और CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज बट GCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज, ये ठीक है। और SiF4 2 नेगेटिव GCl4 आर नॉट एग्जिस्ट, आर नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, ये गलत है क्योंकि ये तो एग्जिस्ट होते हैं, इनकरेक्ट पूछ रहा है। और PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ये मतलब एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि हायर में सॉरी फ्लोरिन जो है वो रहता है, क्योंकि आयोडीन तो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को कन्वर्ट कर देगा लोअर में। तो सेकेंड जो है हमारे पास सही है, PbI4 नॉट एग्जिस्ट, तो ये फोर्थ आंसर जो है इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन कार्बन का सबसे ज्यादा होता है, जी और एस एन का इक्वल है, सही है। एसिडिक ऑक्साइड जो है CO2 SO2 GO2 GO GO एसिडिक होता है, डिस्टिंक्टली एसिडिक होता है, एनसीईआरटी में बिल्कुल जो मेंशन किया गया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ये GO कभी एम्फोटेरिक नहीं होता है, ये हमारे पास गलत हो गया। और SNO और SNO2 PbO के एम्फोटेरिक होते हैं, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्ट अबाउट फुलरिन, फुलरिन के बारे में क्या सही है, ये प्योर फॉर्म कार्बन का होता है, सही है, क्योंकि इसमें
डैंगलिंग बॉन्ड जो होता है, ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, दे हैव डैंगलिंग बॉन्ड, डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता क्योंकि फुलरिन में स्मूथ स्ट्रक्चर होती है, बक्यू मिनिस्टर फुलरिन एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये जो है डैंगलिंग बॉन्ड नहीं रखता। डैंगलिंग बॉन्ड का मतलब होता है जैसे मान लो कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पे कोई वैलेंसी फ्री है तो वहां इंप्योरिटी क्या है, कैन बी बॉन्ड, कैन बी बॉन्डेड, तो यानी वहां पर वो बंद बना सकती है, अशुद्धियां जो बंद बना सकती है, लेकिन इसकी स्मूथ स्ट्रक्चर होती है तो इसमें डैंगलिंग बॉन्ड जो है वो नहीं होता है। 26 और मेंबर्ड और 12 फाइव मेंबर्ड रिंग, ये भी सही है। ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड अदर 3 बॉन्ड, ये भी सही है। तो दे हैव डैंगलिंग बॉन्ड, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट रिएक्शन फॉलोइंग, ये कंसर्न एडिटिव क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो H2 और CO बना रहा है, ये सही रिएक्शन है। SiO2 की रिएक्शन NO से कराते हैं, सोडियम सिलिकेट बनता है, पॉपुलर रिएक्शन है। और अभी SiO2 की रिएक्शन HF के साथ करवाई थी, SiF4 प्लस H2 बनता है, ये भी ठीक है। और यहाँ कार्बन O2 की रिएक्शन कराएंगे तो CO और प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस बनती है, ये गलत हो गया है हमारे पास, फोर्थ इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अंडर हाइड्रोलाइटिक कंडीशन द कंपाउंड अंडर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर एंड चेन टर्मिनेशन, तो इसमें देखिए हमारे पास दो टाइप के पॉलीमर है, जैसे एक सिलिकन ले लिया हमने, तो यहाँ हमारे पास सिलिकन सिलिकन है और इधर हम ले लेते हैं CH3 CH3, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना, वाटर से रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिएक्शन यहाँ पर इस तरह की हो सकती है, CH3 पॉलीमराइजेशन क्या जो कंपाउंड बनेगा वो डायरेक्ट बना के बता रहा हूँ मैं, और यहाँ पर इस तरह से ये चेन फिर वापस चली जाएगी आगे, फिर यहाँ पे सिलिकन आ जाएगा, फिर यहाँ पर वही चेन चलती रहेगी हमारे पास, तो इसमें लीनियर पॉलीमर बन सकता है। लेकिन CH3 होल थ्राइस SCL ये जो है ना, ये टर्मिनेट कर देगा चेन को, क्योंकि तीन एल्काइल ग्रुप एक ही ओच है, लास्ट में तीन एल्काइल ग्रुप आए तो चेन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, तो सेकेंड एंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, XeF2 कंडीशंस है, ये हम कंडीशन के अकॉर्डिंग जीनोन के फ्लोइड बनाते हैं, अलग अलग NCERT में टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन किया गया है डायरेक्ट, तो अब जैसे 673 केल्विन एक बार पर XeF2 बनता है और 573-70 बार पर XeF6 बनता है और 673 और 7 बार पर XeF4 बनता है, तो हमारे पास आंसर जो आ गया सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द जीनोन फ्लोराइड, जीनोन के बारे में क्या सही है, गुड फ्लोराइड डोनर एंड गुड फ्लोराइड एक्सेप्टर, ये ठीक हुआ है। और हाइड्रोलाइसिस XeF2 रिडोक्स रिएक्शन, ये भी हमारे पास सही रिएक्शन है, रिडोक्स रिएक्शन होती है XeF2 की जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो क्या प्रोडक्ट आएगा, जीनोन आएगा, HF आएगा और O2 आएगा, ये रिडोक्स रिएक्शन हो रही है। आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, यहाँ +2 आ रहा है, इधर 0 हो रहा है आपका, और इधर आप देख सकते हो -2 आ रहा है वाटर का, यहाँ 0 हो रहा है आपका, तो एक रिडोक्स रिएक्शन आ रही है। और हाइड्रोलाइसिस XeF6 रिडोक्स रिएक्शन ये गलत है, क्योंकि XeF6 जो होता है ना, इसका जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं चाहे कंप्लीट करो चाहे पार्शली करो, ऑक्सीडेशन नंबर वही रहता है, यानी हमारे पास O3 बन सकता है, XeOF4 बन सकता है, XeO2F2 बन सकता है, लेकिन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे +6 ही आ रही है सब में ओवरऑल, तो यानी ये जो है इनकरेक्ट है। और XeO3 जो कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड, ये सही है, NCERT का क्वेश्चन अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग यूज द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आयोडीन का जो I25 होता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये इसका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के आंकलन में काम में लेते हैं I25, वेल पॉपुलर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, विच क्लोराइड एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ये भी एक जैसे जो क्लोरीन के जो ऑक्साइड है तो उसमें ClO2 जो होता है ना वो एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, पल्प टेक्सटाइल के अंदर और पल्प के अंदर वहाँ पर ये काम में आता है, ये NCERT में दे रखा है, इसका यूज़ दे रखा है, ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीच करता है जो मतलब कलर जो होता है वो उड़ा देता है, डिसकलर्ड कर देता है, ClO2 सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट ऑफ फॉलोइंग, मेल्टिंग पॉइंट जो है HF का ज्यादा बता रहा है HI से, ये यहाँ पर हमारे पास है, और बॉइलिंग पॉइंट HF का बता रहा है HI से, ये सही है, बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है HF का कम हो जाता है HI से,
बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सही है हमारे पास आ रहा है, एचआई की ज्यादा होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ एचआई की ज्यादा होती है, तो पहला जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट NH3Cl2 एक्स प्लस वाई, तो NH3 की रिएक्शन जैसे हम Cl2 के साथ करवाएंगे, लेकिन जब आप ये एक्सेसिव ले रहे हो तो यहां अमोनियम क्लोराइड और प्लस N2 फॉर्म होता है। X और Y बन गए, ये X बन गया और ये Y बन गया आपके पास, ये हो गया X और ये हो गया Y, और आप Y को लेते हो यानी N2 की रिएक्शन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस आ जाती है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड अमोनिया गैस वापस रिएक्शन कर HCl बना देता है, सॉरी अमोनियम क्लोराइड बना देता है, एक्स वापस बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर हो गया NH4Cl2, सेकंड आंसर इज करेक्ट। और ये जो फोर्थ NCl3, ये तो हमारे जो है Cl2 जब एक्सेस में तब बनता है, तो ये हमारे पास फोर्थ सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्सी एसिड है SOS लिंकेज, किस में SOS लिंकेज होता है हमारे पास, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है H2S2O7, तो इसमें देख सकते हो डबल बॉन्ड, ये OH होता है, ये O हो गया, ये S डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये OH पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें हमारे पास SOS लिंकेज होता है, बाकी H2S2O5 H2S2O6 इनमें नहीं होता, क्योंकि इनकी जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे सब में आपको SS बॉन्ड दिखेगा, ऐसे SS लिंकेज। यहाँ पर जैसे हमारे पास दो OH आ जाएंगे, जैसे ये एक OH आ गया, और ऑक्सीजन कितने हमारे पास, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे H2S2O5 आ जाएगा, 6 बनाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, और H2S2O3 तो बीच में 3 सल्फर आ जाएंगे हमारे पास, तो SOS लिंकेज जो है हमारे पास थर्ड में होगा, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2O4 देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, तो इसमें कंसंट्रेट जो सांद्र H2O4 है उसके साथ कॉपर की अभिक्रिया होती है, लेकिन डायल्यूट जो तनु होता है उसके साथ अभिक्रिया नहीं होती है, तो इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन देखें इसकी, कॉपर प्लस H2SO4 और ये है कंसंट्रेट, तो इसमें इसकी जो रिएक्शन होती है CuSO4 बनता है और SO2 गैस रिलीज होती है और प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है, यहाँ बैलेंस करने 2 लगा दीजिए आप, तो ये हमारे पास 2H2O फॉर्म हो जाएगा, तब आप देख लीजिए इसमें हाइड्रोजन गैस इवोल्ड नहीं होगी, फर्स्ट ऑप्शन है इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस सही है, फॉर्मेशन ऑफ CSO4 ये भी सही है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ये गलत है, फॉर्मेशन ऑफ H2 वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आंसर इज थर्ड इज करेक्ट। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ओजोन का स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो ओजोन आप जानते हो ये स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो है रेजोनेंस भी होता रहता है, कभी डबल बॉन्ड साइड में आ जाएगा, दोनों बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती है इसमें, और बॉन्ड एंगल जो होता है इसका 117 होता है, 120 से कम होता है, लीनियर नहीं होता, ये बैंड शेप होता है, ये बैंड शेप होता है हमारे पास, तो ये जो लीनियर है वो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच हैज ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन एंड इट्स टेम्परेरी, देखो जो ऑक्सीजन देता है नवजात ऑक्सीजन उनका ब्लीचिंग एक्शन होता है परमानेंट, तो H2O2 गिव द O, H2O प्लस O देगा नेसेंट ऑक्सीजन, O3 प्लस O3 भी यही देगा, और Cl2 जो है वाटर से रिएक्शन क्या देगा, HCl प्लस O देगा नेसेंट ऑक्सीजन, और SO2 जो होता है ना SO2 ये वाटर से रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा H2SO3 आ जाता है, फिर फर्दर रिएक्शन करता है तो ये आ जाता है H2SO4 और प्लस 2 हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है, इसका जो टेम्परेरी ब्लीचिंग होता है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वन विच मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाइपोक्लोरस एसिड ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, तो ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है कि जो इजीली ऑक्सीजन दे दे, तो बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा है, क्लोरीन और ऑक्सीजन की, तो हाइपोक्लोरस एसिड में ज्यादा है, क्लोरिक एसिड क्लोरस हाइपोक्लोरस हो गया HClO और क्लोरस एसिड और एक है क्लोरिक, पर क्लोरिक हो गया HClO4 और क्लोरिक एसिड हो गया हमारे पास HClO3 और ये हो गया HClO2, तो बॉन्ड लेंथ जो है ना वो किसकी ज्यादा आएगी हमारे पास, फर्स्ट क्या आएगी, बॉन्ड ऑर्डर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ जो है
मैक्सिमम आएगी इसके अंदर फर्स्ट वाले में। HClO4 में जो है CLO बॉन्ड लेंथ आएगी वो मैक्सिमम आती है, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ ऑल डज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द स्टेप वाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCF6। HCF6 रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहता है, प्लस सिक्स आ गया, यहाँ पर भी प्लस सिक्स आ गया, यहाँ पर भी प्लस सिक्स आ रहा है, इसमें देखो प्लस सिक्स नहीं आ रहा, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, फोर स्पिन ऑन रिएक्ट विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड गिव, फोर स्पिन होता है PH3 और विच गिव हाइड्रोब्रोमिक HBr के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे अमोनिया रिएक्शन करता है वैसे सॉल्ट बना लेगा, PH4Br, फोस्फोनियम ब्रोमाइड, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज मिसमैच रिगार्डिंग द शेप, तो HCF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, HCF4 जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है हमारे पास, ये हमारे पास लोन पेयर आ गए, स्क्वायर प्लेनर जो है इसका जो है शेप आ गया, और HCO4 स्क्वायर पिरामिडल बोल रहा है, ये भी स्क्वायर पिरामिडल हो गया, सही है, क्योंकि ये एक्स ई, ये एफ ले लिया आपने, ये एफ ले लिया, इधर एफ और इधर एफ, और ये डबल बॉन्ड ओ और ये लोन पेयर, तो ये देख सकते हो आप, और HCF6 डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, ये सही है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल का मतलब है ये जीनोन आ गया, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, इधर ये फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया, और यहाँ एक लोन पेयर आ जाएगा आपका, डिस्टोर्टेड आ गया, और HCO3 जो पिरामिडल होता है, HC जो होता है वो पिरामिडल होता है ऐसे, तो ये हमारे पास गलत हो गया। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड, फोस्पिनिक एसिड इज ए डाइप्रोटिक एसिड एंड वाइल द फोस्पोनिक एसिड इज ए मोनोप्रोटिक एसिड। देखिए दो एसिड होते हैं H3PO2 और एक होता है H3PO3, तो ये फोस्पिनिक होता है, ये फोस्पोनिक होता है, तो फोस्पेनिक एसिड जो होता है ना ये बोला है डाइप्रोटिक है, और वाइल फोस्पोरिक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड, जबकि ये आपके पास क्या होता है डाइप्रोटिक और ये होता है मोनो, ये मोनोप्रोटिक है और ये है डाइप्रोटिक, तो फोस्पिनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक वाइल द फोस्पोनिक एसिड इज डाइप्रोटिक, ये करेक्ट है हमारे पास, पहला ऑप्शन था फोस्पिनिक एसिड इज डाइप्रोटिक तो वो गलत हो गया, और ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड इज डाइप्रोटिक ये गलत हो गया, क्योंकि H3PO4 जो है वो तो है उसमें तीन प्रोटोन दे सकता है वो ट्राइप्रोटिक हो गया, और पायरोफोस्फेट जो है वो टेट्रा हो गया H4P2O7 जो है हमारा ट्राइप्रोटिक, तो ये हमारे पास सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ब्राउन गैस नॉट बी ऑब्टेंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आयोडीन रिएक्शन जैसे कोई भी नॉन मेटल रिएक्शन अपन कंसंट्रेट के साथ कराएंगे, मेटल हो चाहे नॉन मेटल सब में ब्राउन गैस रिलीज होती है, देखिए यहाँ पर NO2 गैस आएगी और ये डायलूट आ गया, ये भी NO2 गैस आएगी, ये भी कंसंट्रेट है, ये भी NO2 गैस आएगी, और कॉपर के साथ डायलूट में NO गैस रिलीज होती है हमारे पास, और जिंक के साथ N2 लाफिंग गैस, तो ये NCERT में दो रिएक्शन दी गए कॉपर और जिंक की, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच रिएक्शन नॉट फिजिबल, देखिए मेटल में क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सील में अबो मेटल डिस्प्लेस द लोअर मेटल्स, नॉन मेटल में उल्टा हेलोजन में लोअर नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस अबो मेटल्स, तो देखिए Br2 I- रिप्लेस कर सकता है लेकिन I2 जो है Br को रिप्लेस नहीं कर सकता है, और Cl2 Br को रिप्लेस कर सकता है, सही है, और F2 तो है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वाटर से रिएक्शन करके रिप्लेस कर सकता है और ऑक्सीजन गैस बना सकता है, तो सेकंड आंसर हमारे पास जो है नॉट फिजिबल। नेक्स्ट, 84, विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो नीचे जाएंगे हम तो एसिडिक नेचर जो होती है ना, एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो ये हमारे एसिडिक नेचर क्या होगी, डिक्रीज, यानी N2O5 जो होता है ना वो मोस्ट एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के बेसिक होते हैं, तो N2O5 थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, S8 रिंग ऑफ द बोथ रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिक सल्फर इज द क्राउन शेप, क्राउन शेप S8 की जो है क्राउन शेप होता है, बॉन्ड एंगल 107 होता है, आप इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे देख सकते हो, ऐसे क्राउन शेप होगी, टोटल एटम का
जो है 8 हो गए, और ये बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट H2SO4 इज एक्वस मीडियम गिव टू स्टेप्स, ये भी एनसीईआरटी में दो रिएक्शन दी गई है, आप देख सकते हो। फर्स्ट आयनाइज केमिस्ट्री जो होता है बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, और सेकंड वाला कम होता है मेरे पास, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, H2F2 जो है ये एग्जिस्ट कर सकता है हमारे पास ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हमारे पास SCl ये भी एग्जिस्ट कर सकता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, HCl2 जैसे H2 होता है HCl2 होता है, लेकिन SeBr2 ये एग्जिस्ट नहीं होता हमारे पास, इसमें SE2Br2 होता है और SE2Cl2 भी होता है, ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं, यानी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट होता है, ये प्लस फोर में भी होता है, और SCCl2 जो एनसीईआरटी में रिएक्शन भी दिया डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी शो करता है, SCCl2 जो SCCl4 प्लस SI सेलेनियम, तो फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए रिड्यूसिंग ऑक्साइड, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ऑक्सीडाइजिंग होता है, कभी रिड्यूसिंग होगा नहीं, देख लो अब हायर में कौन सा है, फोर्थ एक ही है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ परोक्साइड लिंकेज इन परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड में कोई भी परोक्साइड लिंकेज नहीं होता, देखिए स्ट्रक्चर आप, ये Cl होता है, HClO4 जो है हमारे पास, ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड, देखिए अब इसमें कोई परोक्षण लिंकेज नहीं है, तो हमारे पास जीरो हो जाएंगे परोक्षण लिंकेज, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, S एंड O बोथ आर नॉन मेटल, अब दोनों नॉन मेटल, लेकिन एक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एक का, क्योंकि S सल्फर होता है ना, वो S8 फॉर्म में क्राउन शेप में होता है, सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, और ऑक्सीजन है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई आना है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मोल की वजह से एग्जिस्ट पॉली एटोमिक मोल, ये पॉली एटोमिक हो गया मेरे पास, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन F2 गैस रिएक्ट विद H2O इट फॉर्म, F2 रिएक्शन वाटर से करे तो O2 गैस प्रोड्यूस होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन लिखी थी, H2O की रिएक्शन F2 से कराते हैं तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है और प्लस HF बनता है, और बाकी हेलोजन में ऑक्सी एसिड और हाइड्रो एसिड बनते हैं, HOX और HX टाइप के एसिड बनते हैं, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, कैटेनेशन पावर का यह डायरेक्ट ऑर्डर है, फॉस्फोरस का कैटेनेशन पावर नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है ना वो नाइट्रेट आयन का होता है, नाइट्रेट आयन जो होता है ना वो कन्वर्ट होता है और Fe+2 आयन की प्रेजेंस में NO में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है NO में, और वाटर साथ में होता ही है इसमें, वाटर साथ में होता है और Fe+3 भी आता है इसमें। अब इसमें Fe के साथ में जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका Fe H2O जो हमारे पास आता है 5, और इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स आता है, ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अब NO जो होता है ना ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास NO, किसमें कन्वर्ट होता है NO प्लस में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है इसमें ट्रांसफर कर देता है और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये इस टाइप का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी ना इसकी प्लस वन आएगी आयरन की, आयरन के कॉम्प्लेक्स में NO का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन लेके चलते हैं, तो हमारे पास सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, डेकन प्रोसेस ये है क्लोरीन का मैन्युफैक्चरिंग मेथड, HCl की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवाते हो और इन CuCl2 की प्रेजेंस में, तो ये क्लोरीन गैस बन जाती है डेकन प्रोसेस में और H2O बन जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट, यहाँ पर हमारे पास 2 मोल आ जाते हैं और इसको हम इसमें आंसर अपने को पूछा क्लोरीन का पूछा खाली, तो ये कैटलिस्ट होता है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, 95, इन विच द एलोट्रोप कार्बन डैंगलिंग बॉन्ड, डैंगलिंग बॉन्ड कौन से एलोट्रोप में होते हैं, यानी डैंगलिंग बॉन्ड मतलब डायमंड में, ग्रेफाइट में, दोनों में होते हैं, फुल्लिन में तो स्मूथ स्ट्रक्चर होती है, डैंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट होते हैं, तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट अबाउट द फुल्लिन, फुल्लिन के बारे में क्या सही है, बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, 20 हेक्सागोन रिंग्स होती है इसमें, 12 हेक्सागोन नहीं होती, 20 पेंटागोन ये भी गलत है, और इट कंटेन पेंटागोन ये भी गलत है, 12 जो है पेंटागोन होती है और 12 हेक्सागोन, तो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी sp3 हाइब्रिडाइज स्पीसीज, तो सिलिकॉन कार्बाइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, SiO2 में sp3 हो गया,
ग्रेफाइट में sp2 होता है, डायमंड में sp3 हो गया हमारे पास, फुलिन में sp2 होता है, सिलिकॉन में sp3, सिलिकेट में sp3, तो पांच स्पीसीज हो गए हमारे पास है। तो इसमें हमारा सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम, फिटकड़ी का नेचर कैसा होगा? फिटकड़ी का जो विलयन है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो आपको पता है फिटकड़ी का जनरल फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। अब देखो ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया, और यहाँ एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है आपके पास, तो हमारे पास आंसर हो गया एसिडिक, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, होम सिग्नल कैन बी गिवन बाय, होम सिग्नल जैसे जो आर्मी कैंट होता है वहां पर जहाज के अंदर इसको काम में लेते हैं। हम क्या करते हैं, कैल्शियम CaC2 और CA3P2 फोस्फाइड, कैल्शियम फोस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड को क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो फोस्फीन गैस और एसिटिलीन गैस निकलती है, जिससे क्या एक सिग्नल मिलता है। जैसे कोई जहाज पर अटैक करता है तो ये पता चल जाता है हमको अटैक के दौरान, तो यहाँ पर जब भी वाटर में थ्रो करेंगे ना इसको, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, एसिटिलीन गैस और फोस्फीन, तो होम सिग्नल में यूज करते हैं सेकेंड। नेक्स्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, बोरेक्स बीट टेस्ट होता है डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल का टेस्ट होता है, तो ये एल्यूमिनियम सोल्ट का टेस्ट नहीं होता है, ये सबको वेल नोन क्वेश्चन है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, 101, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स डाई सब्स्टिट्यूटेड बोराजिन B3N3H4X2 ईच, तो बोराजिन जो है इसका जो पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे, बेंजिन की तरह स्ट्रक्चर होता है, देखिए यहाँ बोरोन आ गया, इधर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिर बोरोन, फिर बोरोन, फिर ये नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन इसमें वैकेंट होता है, तो यहाँ पर इस तरह से बैकबॉन्डिंग का देख लेंगे, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, और एक एक हाइड्रोजन सब जगह ऐसे अटैच होता है, ये बोराजिन है हमारे पास। अब इसमें क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं और वहां पर लिख देते हैं दो हेलोजन, तो डाई सब्स्टिट्यूट जैसे बेंजीन के तीन बनते हैं, लेकिन इसमें कितने बनेंगे, चार, क्योंकि एटम सारे क्या है, बोरोन और एक नाइट्रोजन है, जबकि बेंजीन में क्या होते हैं, सारे एटम कार्बन होते हैं, इसलिए वहां पर तीन बनते हैं, इसमें कितने बनेंगे, चार, तो ये बना के देख लेंगे एक एक रिप्लेस करके, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर ऐसे अलग बोरोन बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी बनेगा, तो हमारे पास सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, NaBO4 aqueous, the addition of which of the following does not proceed the reaction forward direction? Cis diol से हम reaction को forward करते हैं, glycerol से करते हैं, catechol से करते हैं, क्योंकि acidic strength बढ़ जाती है, ethanol कभी use नहीं करते हैं experimentally, observe question है। Next, the product obtained the reaction of diborane with excess of NH3 low temperature, low temperature पर यहाँ बनेगा आपके पास salt, और हाई टेम्परेचर जिसको हीट करेंगे तो बोराजिन बन जाएगी, तो लो टेम्परेचर पूछा तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, पोलर ऑक्साइड ऑफ कार्बन इच, तो पोलर कार्बन का जो है ऑक्साइड, देखिए इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऐसे, इसका जीरो नहीं होगा डाइपोल मोमेंट, न्यू नॉट इक्वल जीरो, लेकिन CO2 का देख लो जीरो होगा, इसका जीरो होता है, और C3O कार्बन सब ऑक्साइड जो होते हैं इसका भी आप देख सकते हो कि जीरो होता है, ऐसे ये sp हाइब्रिडाइज होते हैं, और C12O9 जो होता है एक साइक्लिक एनहाइड्राइड होता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड इसका मतलब है कि जैसे आपके पास ये कार्बन ऐसे कार्बन अटैच है इस तरह से, तो इसमें आप ये देख सकते हो ये कार्बन कार्बन ऐसे साइक्लिक एनहाइड्राइड के इस तरह से बन जाएंगे, और इधर भी ऐसे ही, ये हो जाएगा एक, और ऐसे हमारे पास इधर ये स्ट्रक्चर आ जाएगी इधर, तो ये एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया एक तरह से, तो इसका भी म्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, तो नियोन जो होता है वो इनर्ट है जो हेलोजन के साथ कंबाइन नहीं होता है, और बाकी जो जिनोन के कंपाउंड डिस्कवर्ड है, क्रिप्टोन के कंपाउंड भी डिस्कवर्ड है KrF2, लेकिन जो जो स्टडी है हमारे पास जिनोन के कंपाउंड की हुई, तो NeF2 जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट हो सकता है? BII5 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास फ्लोरीन के साथ कंपाउंड एग्जिस्ट होता है, कभी आयोडीन के साथ नहीं होता, क्योंकि आयोडीन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हायर वाले को वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा BIF5। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग सिलिकेट इज फॉर्म व्हेन द फोर ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट आर शेयर्ड, चारों एटम जब शेयर्ड होते हैं ना, तो ये हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये थ्री डायमेंशन सिलिकेट, 3D सिलिकेट होता है, 3D सिलिकेट, तो ये थर्ड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी गैसेस प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, कैल्शियम कार्बाइड की कराओगे, तो यहाँ एसिटिलीन गैस आ जाएगी C2H2, कैल्शियम फोस्फाइड की कराओगे तो फोस्फिन गैस आ जाएगी हमारे पास, कैल्शियम नाइट्राइड से कराओगे तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया गैस आ जाएगी NH3, और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कोई गैस नहीं आएगी इसमें, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, NH3 नॉट ऑब्टेंड बाय NS, अमोनिया किससे नहीं बन सकती, अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो अमोनिया और HCl बनेगा, और हीटिंग ऑफ द अमोनियम कार्बोनेट तो इसमें भी अमोनिया गैस बनेगी, एल्यूमिनियम नाइट्राइड से करेंगे तो अमोनिया बनेगी, और अमोनियम नाइट्राइड से करेंगे तो N2 गैस बनती है इसमें, N2 गैस, तो हमारे पास आ जाएगा फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 होती है जनरली, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4, ये भी ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 होती है, ये फिफ्थ ग्रुप का है, इट कैन इनक्रीज द कोवेलेंसी बाय एक्सेप्टिंग, ये गलत हो गया, एक्सेप्टिंग लोन पेयर नहीं, डोनेटिंग, डोनेटिंग आता तो ये अपनी कोवेलेंसी बढ़ा सकता था, तो फोर्थ आंसर इज जो है वो जो इनकरेक्ट आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट पूछा तो फोर्थ हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है जनरली, साइज बढ़ता है, रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट जनरली बढ़ता है, एक्सेप्शनली जरूर कोई केस हो तो बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग का, थर्मल स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है, कौन सी प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि डिक्रीज होगी, तो फोर्थ डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर O3, O3 के बारे में भी स्ट्रक्चर आई थी, ये डायमैग्नेटिक होता है, करेक्ट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत होगी, वीक नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि O3 जो है गिव द O2+O नेसेंट ऑक्सीजन देता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेंट शेप होता है, ये सही है, और वॉयलेट ब्लैक इन सॉलिड स्टेट में इसका कलर चेंज होता है, अलग अलग गैस में अलग होता है, लिक्विड में अलग कलर, सारे तीनों अलग अलग होते हैं, तो हमारे पास इसका जो आंसर है सेकंड इज करेक्ट। तो 113 देखें, एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन कंबाइन, तो नाइट्रोजन जो है CaC2 से कंबाइन होगी, तो विच गिव CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं, और कार्बन, कैल्शियम साइनामाइड जो है ये कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, और यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है मेरे पास, तो ये इसमें अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है मेरे पास, तो कैल्शियम साइनामाइड आ जाएगा, सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोराजिन पूछ रहा है, प्लेनर होती है, पोलर होती है, ये गलत है, पोलर नहीं होती, नॉन पोलर होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसकी बेंजीन की तरह ही है, बॉन्ड पोलर होते हैं, नॉन बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड पोलरिटी इज प्रेजेंट, सही है, मोर रिएक्टिव भी होता है ये, क्योंकि बॉन्ड पोलर होते हैं, और P बाय बैकबॉन्डिंग होती है इसमें, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस इज ड्राइड ओवर, क्लोरीन है CaO से रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बना लेगी, यदि आप Cl2 से रिएक्शन कराओगे CaOCl का ट्वाइस, ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, और NaO से करवाएंगे रिएक्शन तो वही NaCl3 बन सकता है, NaCl NaOCl भी बन सकता है, तो यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे Cl2 की, तो ये NaCl या फिर NaClO या फिर NaClO3 बन सकता है, तो यानी यहाँ तो कंबाइन हो सकता है, H2SO4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये चेंज नहीं होगा, हाईएस्ट वाला, अमोनिया रिएक्शन करेगी क्लोरीन के साथ, अभी रिएक्शन बताई थी,
अमोनिया की रिएक्शन NH3 के साथ कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो अलग अलग है ये एक्सिस में लोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, N2 बनेगी, और यदि आप HCl2 लोगे तो NCl3 और HCl बनेगा, इसका मतलब H2SO4 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट डज नॉट कंटेन NN बॉन्ड इच, किसमें NN बॉन्ड जो है नहीं होता, ये पूछ रहा है. तो N2O5 पे नहीं, देखो स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है, आपको पता है N2O3 जो है इसमें NN बॉन्ड होता है हमारे पास, ये NO और NO2 का कॉम्बिनेशन होता है, और N2O4 जो है ये इस तरह से देख सकते हो आप, इसमें भी NN बॉन्ड होता है, और इसमें हमारे पास N2O5 में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये देख लो NON NN बॉन्ड इसमें नहीं, फोर्थ में. तो नेक्स्ट, द ब्लू सॉलिड फॉर्म द इक्विमोलर मिक्सचर टू गैसेस, अभी बात करी थी NO और प्लस NO2 लो टेम्परेचर पर, ये बन जाएगा N2O3, इसका कलर होता है ब्लू कलर का सॉलिड, तो N2O3 इज करेक्ट, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिएक्शन विच इज नॉट डिस्प्रोपोर्शन, तो पहला देखो, पहले में हमारे पास क्या आ रहा है N2 और प्लस सॉरी N2 आएगा और प्लस 2H2 आ जाएगा, लाफिंग गैस आ गई, और इसमें P4NO में ये हमारे पास NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और प्लस फोस्फीन गैस आ जाएगी, ये डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा. Cl2 रिएक्शन NO से कराई थी, अभी NaCl प्लस NaClO3 या NaClO और P4O6 में हमारे पास क्या आएगा, पहले H3PO3 आता है और बाद में H3PO4 में और फोस्फीन में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पर, इसका मतलब पहला जो है डिस्प्रोपोर्शन का एग्जांपल नहीं है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बॉइलिंग पॉइंट SbH3 का ज्यादा होता है, ये सही है, और अमोनिया का इन दोनों ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिड्यूसिंग करेक्टर जो है H3PO2 का ज्यादा होता है, ये गलत हो गया, H3PO क्योंकि pH बॉन्ड इसमें होते हैं, अभी हमने स्ट्रक्चर भी देखी थी, और ऑक्सीडेशन नंबर यहां +1, +2, +3, +5 ये सही है, और बेसिसिटी जो है नाइट्रोजन यहां पर हम देख रहे हैं इसकी बेसिसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, बेसिसिटी ज्यादा है, और pH 3 इनकी सबकी कम है, क्योंकि आप ड्रेगो रूल से देख सकते हो कि भी इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, तो लोन पेयर प्रेजेंट इन प्योर s ऑर्बिटल, तो प्योर s में होने के कारण s की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, अमोनिया की ज्यादा होती है, तो हम आंसर बता देंगे, गलत पूछा है रिड्यूसिंग करेक्टर का, तो ये सेकेंड गलत आंसर हमारा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट N2O, N2 लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस है ये, और हंसाने वाली गैस पर बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन जो रहता है NCERT का, तो इसमें हमारे पास इट इज ए लीनियर एंड सिमेट्रिकल, लीनियर जरूर हाइब्रिडाइजेशन sp है, लेकिन इसमें हमारे पास ये सिमेट्रिकल नहीं होता है, पहला गलत है, इट इज लीनियर एंड अनसिमेट्रिकल, ये सही है, रेजोनेंस भी आता है इसमें, और इट इज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता इसका, डाइपोल मोमेंट करेक्ट होता है, तो हमारे पास पहला गलत है, तो आप करेक्ट पूछ रहे हैं, तो B C D इज करेक्ट, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.